हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 6 स्पेशलाइजेशन का, जिसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है यूट्यूब पे। उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। आज हम कवर करेंगे सेकेंड एंड फाइनल पार्ट ऑफ यूनिट 6, ठीक है, जिससे आपकी स्कीम जो है वो सारी कवर हो जाएंगी। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके JKSSB एग्जाम्स के, जिसमें करंटली हमारे सुपरवाइजर एग्जाम चल रहा है, उसमें स्पेशलाइजेशन कवर हो गया है कंप्लीट। उसकी मैराथन कम रिवीजन सीरीज, MCQ सीरीज, सारा आपको यूट्यूब पे डिफरेंट प्लेलिस्ट उन सबकी मिल जाएंगी, ठीक है। प्लस अगर आप आने वाले एग्जाम्स लाइक NT, कॉन्स्टेबल या कोई भी एग्जाम JKSSB उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आपके लिए चैनल बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इस पे हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कंपोनेंट्स भी कवर हो गए हैं। एंड बाकी कंपोनेंट जैसे कि आपका सिलेबस अपलोड हो जाएगा अकॉर्डिंगली, बाकी कंपोनेंट्स भी मैं साथ साथ पढ़ाऊंगी, ठीक है। एंड आपका सोशोलॉजी ऑप्शनल जो है UPSC एंड KS का, वो भी कवर हो गया है, 80-90% वो कंप्लीट हो गया है। उसके लिए आपको नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें पेपर ए कंप्लीट हो गया है एंड पेपर बी हमारा ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। सिंस दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चाहें तो मुझे वॉलंटियरली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको UPI ID चैनल के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्कीम्स वाला पोर्शन। तो वॉट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन वत्सल्य, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था मिशन वत्सल्य का, क्या ये फाइनेंशियल एड था टू स्मॉल बिजनेसेस, नो। क्या ये एल्डरली के लिए कोई स्कीम लाई गई थी, नहीं। क्या डिजिटल लिटरेसी के लिए लाई गई थी, नो। द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस टू एंश्योर द वेलबींग एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो आंसर वुड बी सी। अब देखो जो स्कीम्स हैं उसमें से आपको इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम्स कौन से हैं जो इस टाइम पे आपको फोकस करना चाहिए, वो स्कीम्स हैं जो आपको बाय नेम गिवन है, लाइक अपालना स्कीम, लाडली बेटी स्कीम, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना या आंगनवाड़ी सर्विसेज, ठीक है। वैसे जिस भी स्कीम का नाम लिखा होगा वो जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो जो पेपर सेटर है उसके लिए भी ईजी हो जाएगा उन स्कीम्स में से पेपर सेट करना। जो जेनेरिक से दिए हुए हैं, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन आ गया, ठीक है, ओल्ड एज या डिसेबल आ गया, तो उनके अंडर काफी स्कीम्स आती हैं, तो पेपर सेटर के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा रिसर्च करके सेट करना पेपर, फाइन। तो जो नेम गिवन होगा वहां से क्वेश्चंस वो इजीली पिक कर सकते हैं, इसीलिए वो स्कीम्स अच्छे से करके जाना जिनका नेम गिवन है, ठीक है। वो हम सारे MCQ में देखेंगे जो हमने हमने पार्ट 1 में कवर नहीं किया था। तो कौन सी मिनिस्ट्री है रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग मिशन वत्सल्य, दिस इज योर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वत्सल्य मातृ अमृत कोष, जो वत्सल्य मिशन के अंडर आता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू सर्व एज अ ह्यूमन मिल्क बैंक, किनके लिए, इन्फेंट्स के लिए, ठीक है। इस वत्सल्य स्कीम के जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो कौन है, दैट इज योर आंसर बी, नॉर्वेन गवर्नमेंट एंड ऑस्लो यूनिवर्सिटी। मिशन वत्सल्य ये एक रोड मैप है टू अचीव द डेवलपमेंट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज अलाइन विद विच ग्लोबल फ्रेमवर्क। तो किस ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ इसको अलाइन किया गया है वत्सल्य को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्म द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन वत्सल्य, ठीक है। तो वत्सल्य के लिए बेसिक फ्रेमवर्क किसको लाया गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए वत्सल्य को, दैट इज योर बी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एंड योर पॉक्सो एक्ट 2012। वॉट इज द मोटो ऑफ मिशन वत्सल्य, दिस इज योर लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। वट इज द टारगेट अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 रिड्यूस करने के लिए अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बाई 2025। तो उसके लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कौन सा रेट सेट किया गया था अचीव करने के लिए अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, द आंसर इज सी, 23, ठीक है। वट इज द फर्टिलिटी रेट टारगेट सेट बाई NHP 2017, जिसको अचीव करना है बाई 2025 फर्टिलिटी रेट को, दैट इज योर 2.1। वट इज द टारगेट फॉर द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर सेट बाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, तो क्या टारगेट सेट किया गया है, दैट इज योर 2.5% ऑफ GDP। ये सारा मैंने अपने PDF में मेंशन किया हुआ है जो मैंने आपको दी थी टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड कल मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया था कि आप वो रिवाइज करो, इसका MCQ वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। वट इज द प्राइमरी एम ऑफ स्वस्थ नागरिक अभियान, तो स्वस्थ नागरिक अभियान का प्राइमरी एम क्या है, टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, नो। हॉस्पिटल्स, नो।
कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन रिड्यूस करना? नो, द आंसर इज बी, टू क्रिएट अ सोशल मूवमेंट फॉर हेल्थ एंड एनकरेज हेल्थी लाइफ स्टाइल्स। इन विच पॉलिसी वॉज स्वास्थ्य नागरिक अभियान प्रपोज? इसको किस पॉलिसी में प्रपोज किया गया था? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जो स्वास्थ्य नागरिक अभियान है, इट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेटेड एक्शन इन हाउ मेनी कोर एरियाज। ठीक है, तो कितने कोर एरियाज हैं जिन पे स्वास्थ्य नागरिक अभियान जो है वो बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन 7 कोर एरियाज। ठीक है, एंड वो 7 कोर एरियाज कौन कौन से थे? दे आर योर स्वच्छ भारत अभियान एंड डाइट एक्सरसाइज, दिस इज सेकेंड वन रिलेटेड टू डाइट एंड एक्सरसाइज, 1, 2। थर्ड वन इज योर अगेंस्ट टोबैको एंड अल्कोहल वगैरह, उनकी कंजम्पशन। फोर्थ वन इज टू प्रिवेंट डेथ, जो किनकी वजह से होती है? रेल एंड ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, रोड एक्सीडेंट्स। फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू ए जेंडर वायलेंस। सिक्स वन इज रिलेटेड टू योर सेफ्टी इन वर्क प्लेस एंड सेवेंथ वन इज रिलेटेड टू योर रिड्यूसिंग इनडोर पॉल्यूशन। वट इज द मेन पर्पज ऑफ द जननी शिशु सुरक्षा योजना? ठीक है, तो जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम का मेन पर्पज क्या है? दैट इज टू ऑफर फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी सर्विसेज टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज प्रोवाइडेड अंडर दिस JSSK, जो अभी हमने देखा, इसमें क्या प्राइमरी, इसमें क्या सर्विस मिलती है प्रेग्नेंट वुमेन को? ड्यूरिंग देयर हॉस्पिटल स्टे उनको फ्री डाइट मिलती है अप टू 3 डेज ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी एंड अप टू 7 डेज फॉर सी सेक्शन। वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सिक न्यूबॉर्न्स अंडर JSSK? तो उनको फ्री हेल्थ केयर कब तक मिलता है जो सिक न्यूबॉर्न्स होते हैं? अप टू 30 डेज आफ्टर बर्थ। वॉट इज द प्राइमरी टारगेट एज ग्रुप फॉर द राष्ट्र किशोर स्वस्थ कार्यक्रम? तो जो राष्ट्र किशोर स्वस्थ कार्यक्रम है, इसका टारगेट एज ग्रुप क्या है? दैट इज योर 10 to 19 years। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? दिस इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? इसमें से कौन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है? That is to provide free higher education. ठीक है, इसके objectives जो है वो मैंने आपको PDF में mention कर दिए थे। What is the key principle of RKSK? That focuses on ensuring fairness and equal opportunities for all adolescents. तो इसके question में ही इसका answer है, that is promoting your gender equity. According to the National Education Policy 2020, by which year does it aim to achieve a universal provisioning of early childhood care and education? ठीक है, तो early childhood care education achieve करने के लिए क्या target set किया गया था? Year 2030. Which stage of the proposed new 5+3+3+4 structure, जो National Education Policy का structure है, ठीक है, उसकी कौन सी वाली स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात हुई थी? दैट इज योर फाउंडेशनल स्टेज। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ करिकुलर फ्रेमवर्क प्रपोज्ड फॉर 3 to 8 years? 3 to 8 year old किस पे फोकस करना चाहिए 3 to 8 year old बच्चों को? अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन हेल्थ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दिस इज प्ले एक्टिविटी एंड डिस्कवरी। By 2025, where does National Education Policy 2020 aim to provide high quality early childhood care and education for children aged 3 to 6? तो कहाँ पे ये सब provide किया जाएगा? Both schools में भी and आंगनवाड़ीज में भी। What is the main objective of Palna scheme under Mission Shakti? ठीक है, तो जो Palna scheme है इसका main objective क्या है? And the answer is to provide quality child care facilities through Anganwadi cum creches. ठीक है, तो क्रेश और आंगनवाड़ी को मिला के क्या किया जाएगा? बेसिकली फोकस किस पे किया जाएगा?
क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज पे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पालना स्कीम में आता है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ मिशन शक्ति डज द पालना स्कीम फॉल अंडर, ठीक है, तो पालना स्कीम जो है ये मिशन शक्ति के किस कॉम्पोनेंट में आता है, दैट इज ए सामर्थ्य। वट इज द फोकस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कंबाइंड आंगनवाड़ी एंड क्रेच फैसिलिटीज अंडर दी पालना स्कीम, तो इसमें किस पे फोकस किया जाएगा, अर्बन एरियाज पे जहां पे चाइल्ड केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ठीक है। वट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स आर आउटलाइन इन द एसओपीज रिलीज फॉर पालना स्कीम, तो पालना स्कीम के लिए कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है, दैट इज रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मॉनिटरिंग मैकेनिजम्स पे। वट इज अ टारगेट डेमोग्राफिक फॉर द चाइल्ड केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर पालना स्कीम, ठीक है, तो पालना स्कीम के अंडर कौन से जो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज हैं जो मिलती हैं वो किस एज ग्रुप को मिलती हैं, दैट इज योर चिल्ड्रन एज 6 मंथ टू 6 ईयर्स। विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड द पालना सब स्कीम अंडर द मिशन शक्ति फ्रॉम अप्रैल 1, 2022, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो अब इस क्वेश्चन में ही आपको इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है, सब स्कीम है मिशन शक्ति, शक्ति का मिशन शक्ति के किस कॉम्पोनेंट के अंडर आता है, समर्थ्य, ठीक है। ऑन विच डेट वॉज द लाडली बेटी स्कीम, जो जे एंड के की लाडली बेटी स्कीम है, इट वॉज लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर, किस डेट पे, एंड द आंसर इज योर 1 अप्रैल 2015। मंथली कितना डिपॉजिट करेगी जे एंड के गवर्नमेंट अंडर लाडली बेटी स्कीम अंटिल द गर्ल रीचेज 14 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज योर बी 1000 रुपीज। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच अमाउंट डज द गर्ल चाइल्ड रिसीव अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 21, तो 21 की जब लड़की हो जाएगी उसको कितने पैसे मिलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख। हाउ इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर लाडली बेटी स्कीम ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट, ठीक है, तो कैसे ट्रांसफर किया जाएगा जो पैसा उसको मिलने वाला है, जैसे ये 6.5 लाख जो है ये लड़की को कैसे मिलेंगे, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, दैट मीन्स उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आ जाएंगे। विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैनेजेस द स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, तो जो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है जे एंड के की वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, दैट इज द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, विच मेक्स इट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप इसी डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। वट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल बेनिफिशियरी गर्ल्स अंडर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, तो कितना जो है अमाउंट उनको मिलेगा अंडर दिस स्कीम, ₹50,000, लेकिन ये आपको याद रखना होगा वन टाइम पेमेंट, ऐसा नहीं है बार बार मिलते जाएगा, ठीक है। एंड उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, मस्ट बी अबाउ 18 ईयर्स। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं टू अवेल द बेनिफिट अंडर द स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ मैरिज, कॉपी ऑफ राशन कार्ड एंड आधार कार्ड। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बेनिफिशियरी की टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी 8th पास। अंडर पालना स्कीम हाउ मेनी क्रेशेस डज द यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एम टू एस्टैब्लिश इन आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर कितने क्रेचेस जो हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा, 17,000। वेन वॉज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लॉन्च, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को कब लॉन्च किया गया था, 1 जनवरी 2017। वट वॉज पी एम एम वी वाई इनकॉर्पोरेटेड इन टू फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, तो 1 अप्रैल 2022 से पी एम एम वी वाई को किस मिशन का पार्ट बनाया गया था, मिशन शक्ति। वट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव करना हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अमंग प्रेगनेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। अंडर पी एम एम वी वाई हाउ आर कैश बेनिफिट्स ट्रांसफर टू एलिजिबल बेनिफिशरीज थ्रू डीबीटी, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है जो भी स्कीम्स आती हैं डीबीटी के थ्रू जो है पैसे मिल जाते हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, अकाउंट में आएगा। और जो मैं आपको एमसीक्यू करा रही हूँ इसका बेस्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का,
पहले आप क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया है वहां से खुद एमसीक्यू सॉल्व कर लो, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखो, ठीक है, एंड देख लो आपने कौन सा आंसर गलत मार्क किया है, तो एक बार फिर से उस स्कीम्स रिवाइज कर लो। हु इम्प्लीमेंट्स प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड टारगेट बेनिफिशरीज कौन है इसकी स्कीम की, आंसर इज बी, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एक्सेप्ट दोज जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जिनको मिली हुई है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स की। व्हाट टाइप ऑफ पीएमएमवीवाई, व्हाट टाइप ऑफ स्कीम इज पीएमएमवीवाई इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप, ठीक है, तो कहाँ से किसने स्पॉन्सर किया, दैट मीन्स कहाँ से इसका एड आता है, ठीक है, तो दिस इज योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होता है, मेजोरिटी परसेंटेज जो है फंड्स वो कौन खर्च करेगी, वो गवर्नमेंट करेगी आपकी सेंटर की, एंड रिमेनिंग कौन करेगा आपका, स्टेट करेगा। तो 90-10 होता है कुछ स्टेट्स में, या 50-50 होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो वो स्कीम होती है जो 100% जिसकी असिस्टेंस कहाँ से आती है, सेंटर से। हु इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिसीविंग बेनिफिट्स अंडर पीएमएमवीवाई, तो किसको नहीं मिलेंगे, वुमेन जिनको सिमिलर बेनिफिट्स मिल रहे हैं अंडर एनी लॉ या किसी और स्कीम में। व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म थ्रू विच पीएमएमवीवाई एम्स टू एनकरेज बेटर हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है, और कंपनसेट करना वेज लॉस को अमंग प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, दैट इज कैश इंसेंटिव मिलते हैं उनको। विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द पीएमएमवीवाई प्रोग्राम, तो पीएमएमवीवाई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज अगेन योर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे चलते हैं, फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन इन अ फैमिली इज अ कैश इंसेंटिव अंडर पीएमएमवीवाई प्रोवाइडेड, ठीक है, तो कितने बच्चों के लिए होती है पीएमएमवीवाई में, दैट इज योर आंसर इज बी, फॉर फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ओनली, ठीक है। बाद में हमारे पास इसका 2.0 वर्जन भी आया था जिसमें कोई और चीज ऐड हुई थी, वो हम आगे देखेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश इंसेंटिव, कितना मिलता है पीएमएमवीवाई के अंडर, ₹5,000, ठीक है। व्हाट इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएमएमवीवाई 2.0, ठीक है, तो 2.0 का क्या की ऑब्जेक्टिव था, पॉजिटिव सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड, एंड इस स्कीम के अंडर इंसेंटिव अगर दूसरा बच्चा किसी का होता है एंड वो बेटी है, तो उस केस में इंसेंटिव कितना मिलेगा, 6,000। अदरवाइज कितना होता है, किन के लिए होता है इंसेंटिव, सिर्फ फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए। अंडर द जननी सुरक्षा योजना व्हाट बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन एंड ए क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, आपके आशाओं को एंड प्रेग्नेंट वुमेन को क्या बेनिफिट मिलते हैं, लोन असिस्टेंस फॉर गिविंग बर्थ इन अ गवर्नमेंट और ए क्रेडिटेड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, नो, फ्री एजुकेशन सपोर्ट फॉर फर्स्ट चाइल्ड, नो, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलते हैं आशा को, एंड यहाँ पे लोन असिस्टेंस नहीं मिलता है, कैश असिस्टेंस मिलता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। वट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम फॉर अडोल्स एंड गर्ल्स इम्प्लीमेंटेड थ्रू आंगनबाड़ी सेंटर्स अंडर द ICDS, ठीक है, तो क्या उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और इसका आंसर है सी, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग टू आउट ऑफ गर्ल स्कूल गर्ल्स एज्ड 11 to 14 ईयर्स, जिनकी स्कूलिंग जिन्हें छोड़ दी है, एंड मोटिवेट करना उनको टू रिटर्न टू फॉर्मल स्कूलिंग। वट एज ग्रुप ऑफ एडोल्ट्स एंड गर्ल्स इज टारगेटेड अंडर दिस स्कीम अंडर सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, पोषण के हमने क्वेश्चन पार्ट वन में किए हैं, आंगनबाड़ी के भी पार्ट वन में किए हैं, तो आंसर है 14 to 18 ईयर्स, तो ये सिंपल ही है, जो आपकी टीन एज होती है वही जो आपका एडोल्सेंस वाला पीरियड होता है। इन विच रीजन आर द रिवाइज स्कीम फॉर एडोल्सेंट गर्ल्स अंडर सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 प्राइमरीली फोकस, ठीक है, तो किन एरियाज को प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है सोशल एरियाज में, दैट मीन्स उनके जो इंडिकेटर्स होते हैं सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर वो पुअर होते हैं, ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस करेंगे एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फोकस करेंगे, जैसे आपका मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड वगैरह। विच कैंपेन वॉज लॉन्च बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 7 March 2022 अंडर द बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम टू एनरोल आउट ऑफ स्कूल एडोल्सेंट गर्ल्स बैक टू फॉर्मल स्कूलिंग, ठीक है, तो एक कैंपेन लॉन्च किया गया था अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको अब बच्चों को वापस जो लड़कियां हैं एडोल्सेंट गर्ल्स उनको फॉर्मल स्कूलिंग में वापस एडमिट करने के लिए, एंड उस कैंपेन का नाम क्या था, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव।
अंडर विच स्कीम इज द कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कैंपेन लॉन्च्ड? अच्छा ठीक है, ये आंसर सी, वही इस जो आपने 59 में भी क्वेश्चन देखा था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द किशोर हेल्थ कार्ड अंडर द स्कीम फॉर एडोल्स एंड गर्ल्स? तो जो स्कीम फॉर एडोल्स एंड गर्ल्स है, इसके अंडर एक किशोर हेल्थ कार्ड इशू होता है। उस हेल्थ कार्ड में क्या मेंशन होता है? टू रिकॉर्ड द एजुकेशन प्रोग्रेस ऑफ एडोल्स एंड गर्ल्स, नो। फाइनेंशियल एड प्रोवाइड जो की जाती है उनको, उसको ट्रैक करना, नो। या वोकेशनल स्किल्स, दिस इज योर जॉब रिलेटेड स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, उनकी, नो। इसमें बेसिकली क्या मॉनिटर किया जाता है? टू मॉनिटर द फिजिकल हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ एडोल्स एंड गर्ल्स, कि उनका जो वेट है वो एज के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं, हाइट ठीक है कि नहीं, उनका बॉडी मास इंडेक्स, दैट मीन्स उनका जो हाइट टू वेट रेशियो है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। वो सारे फिजिकल हेल्थ पैरामीटर्स उसमें मॉनिटर होते हैं, उसका नाम क्या है? किशोर हेल्थ कार्ड। वेन वॉज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च? तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 12 अप्रैल 2005। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? दिस इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन विच ईयर वॉज द हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो नेशनल हेल्थ मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। वट आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? तो नेशनल हेल्थ मिशन के मेन कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? द आंसर इज बी, स्ट्रेंथन करना रूरल अर्बन एरियाज को रिप्रोडक्टिव मेटर्नल नियोनेटल चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ के लिए, जिसको RMNCH+A बोला जाता है शॉर्ट में, प्लस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो इसके मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। वट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? इसका प्राइमरी गोल क्या है? बी, टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल एफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज दैट आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स। मिशन वत्सल्य स्कीम वॉज लॉन्च फॉर चिल्ड्रन? इट वॉज लॉन्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हु इज एलिजिबल फॉर द बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर मिशन वत्सल्य? ये ऑफलेट न्यूज में था, इसीलिए इसके आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो कौन से बच्चे जो हैं वो एलिजिबल होते हैं? दैट इज योर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन। इसके अंडर कुछ मंथली फॉस्टर केयर अलाउंस मिलती है मिशन वत्सल्य के अंडर, दैट इज योर ₹2500। विच मोड्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर डज मिशन वत्सल्य सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन? तो कौन से केयर को सपोर्ट करता है? स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, अडॉप्शन एंड आफ्टर केयर। वट एज ग्रुप डज द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम टारगेट? ये किस एज ग्रुप को टारगेट करता है? दैट इज योर टीन एज ग्रुप जो होती है 13 to 18। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके? इसमें से इम्प्रूव न्यूट्रिशन भी है, प्रेवलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन उसको रिड्यूस करना भी है, मेंटल हेल्थ भी है, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, ये नहीं है। तो आंसर वुड बी ए बी एंड डी। हु आर एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ राष्ट्रीय वायुश्री योजना? तो उसके बेनिफिशरीज कौन है? द आंसर इज बी, सीनियर सिटीजन जो बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी के हैं, या वो जो अर्न करते हैं लेस देन 15,000 पर मंथ, या वो जिनकी एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज जो है उनसे वो सफर कर रहे हैं। वट आर द की नीड्स एड्रेस बाई द अटल वायो अभ्युदय योजना फॉर सीनियर सिटीजन? ठीक है, तो सीनियर सिटीजन के लिए जो स्कीम लाई गई है उसके की नीड्स कौन कौन सी हैं? द आंसर इज बी, तो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एड्रेस किया जाता है, फूड, हेल्थ केयर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। पालना स्कीम फोकसेस ऑन, तो फोकस करता है, द स्कीम फोकस ऑन चिल्ड्रन 6 months to 6 years, यस। इट फोकसेस ऑन वर्किंग वुमेन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज हु आर एम्प्लॉयड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 15 days इन ए मंथ और 6 months इन ए ईयर, ठीक है। तो दोनों इसके ऑप्शन करेक्ट है, द आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। पालना स्कीम विल प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज? द आंसर इज डे केयर फैसिलिटीज देगा, यस, क्योंकि इसमें क्रेच और आंगनवाड़ी को क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है। अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 years एंड प्री स्कूल फॉर 3 to 6 year old चिल्ड्रन, यस, ये भी इसमें होगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, यस। ग्रोथ मॉनिटरिंग, यस। प्लस इसमें इम्यूनाइजेशन भी होगी, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। ICDS वॉज लॉन्च अंडर विच पॉलिसी? इसका क्वेश्चन आप
कमेंट्स में इसका आंसर मेंशन करोगे। जननी सुरक्षा योजना किसको प्रमोट करता है, गर्ल एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर? तो ये प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग प्रेग्नेंट वेमेन, जो डिलीवरीज प्रोफेशनल्स के हाथ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन नेम्ड एज द लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स फॉर जननी सुरक्षा योजना स्कीम? ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना स्कीम के लिए लोअर परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड कुछ और स्टेट्स भी हैं, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है। ठीक है, तो ये स्टेट्स जो हैं, और भी कुछ स्टेट्स हैं, ओडिशा। तो ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था वहां पे स्टेट्स मेंशनड है, आपको अगर सारी याद नहीं रखोगे लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी उसमें लोअर परफॉर्मिंग स्टेट आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्कीम्स का पोर्शन। ठीक है, तो आप पीडीएफ रिवाइज करो स्कीम्स का लेके, और जो मैंने आपको ये एमसीक्यू का पीडीएफ मैं दे दूंगी ये रिवाइज करो, एंड जो पीडीएफ मैंने आपको दिए वो रिवाइज करो। ठीक है, तो उतना सफिशिएंट होगा, इसके बाहर बाकी स्कीम्स जो है आप सर्च करने नहीं बैठना। वो जो पीडीएफ मैंने आपको 3 पार्ट्स में दिया है वो उतना ज्यादा नहीं है, वो एक दिन में आप सारी स्कीम्स आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।